आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी खबर जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में मॉनसून इस बार मेहरबान नहीं है, मॉनसून की बेरुखी देखने को मिल रही है और कई जगह पर सूखे के हालात हैं और इस सूखे पर अब सियासत भी हो रही है। प्रदेश के 24 जिलों की 69 तहसीलों में 80% से कम बारिश हुई है, लेकिन अब सरकार ने सूखा घोषित अब तक नहीं किया है। बारिश के मौसम में एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ 28 तहसील सूखाग्रस्त घोषित की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने संबंधित कलेक्टरों से औपचारिक प्रस्ताव मंगाए हैं। सरकार की सुस्त रफ्तार पर बीजेपी ने निशाना साधा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कटाक्ष किया कि मंत्री, विधायकों और सीएम भूपेश बघेल के पास दिल्ली जाने का समय है, शक्ति प्रदर्शन और कुर्सी दौड़ करने का समय है, लेकिन सूखे की मार झेल रहे छत्तीसगढ़ के भोले भाले किसानों के लिए वक्त नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताना चाहिए कि बिना रिपोर्ट के किसानों तक राहत कैसे पहुंचाई जाएगी। बता दें कि राजस्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 20 जिलों की 52 तहसीलों में 51% से 75% तक बरसात हुई है। 24 जिलों की 69 तहसील ऐसी हैं जहां पर 76% से 99% बरसात दर्ज हुई है। 17 जिलों की 46 तहसीलों में 100% पानी बरसा है। मानसून के कमजोर पड़ने और सरगुजा संभाग के जिलों में कम बरसात की वजह से सूखे का संकट खड़ा हो गया है। सरगुजा संभाग के कई जिलों में खरीफ की बोनी तक प्रभावित हुई है। वहीं बारिश को लेकर ग्रामीण अंचलों में टोटके का सहारा लिया जा रहा है। कहीं मेंढक मेंढकी की शादी कराई जा रही है कि कम से कम किसी भी तरह से, किसी भी जतन से मेहरबान हो जाए इंद्रदेव। इधर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीण महिलाएं पूजा पाठ का सहारा भी ले रही हैं। इन सबके बीच प्रदेश में सूखे को लेकर सियासत भी जारी है। तो जिस तरह से लगातार पूरे देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ का एक बड़ा इलाका ऐसा है जो सूखाग्रस्त इस वक्त हो रहा है और जहां पर किसानों की चिंताएं, आम लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिन किसानों ने अपने खेतों में बुआई शुरू कर दी थी वहां पर बारिश नहीं होने की वजह से अब फसल के खराब होने का संकट यहां पर पैदा हो गया है। खासतौर पर सरगुजा संभाग में बहुत बुरी स्थिति है। बस्तर संभाग जहां बाढ़ प्रभावित है, तो सरगुजा संभाग जो है वो एक तरह से सूखे के संकट के मुहाने पर खड़ा हुआ है। और ऐसे में अब आरोप यहां पर विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है कि सरकार अनदेखी कर रही है किसानों की इन समस्याओं को लेकर, क्योंकि अब तक सूखाग्रस्त तहसीलों की घोषणा नहीं की गई, ऐलान नहीं किया गया है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं तमाम इन तहसीलों की रिपोर्ट तैयार करने को लेकर। सुनिए। जिन तहसीलों में सूखा हो उसकी रिपोर्ट मंगाया गया है, नजरी सर्वे करके देखें। अभी वैसे बरसात की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन फिर भी नजरी सर्वे कर लेना ही उचित है। तो सरगुजा संभाग के कुछ जिले और तहसील ज़्यादा हैं वहाँ, और एक दो दूसरे तहसील भी हैं जहाँ कम बारिश हुई है, तो उसके सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है।